फीलिंग आई कि एक्सयूवी 700 में बैठा हुआ हूँ। मतलब इस मॉडल काफी रफ यूज हो रखी थी, गाड़ी के किलोमीटर देखोगे। अच्छा तो इसका डैशबोर्ड भी पेंट हुआ है। ये हमारा गोल्ड पैक, प्रॉपर कंफर्ट है, प्रॉपर एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ हमारे इसके अंदर, जिससे गाड़ी की जो लुक है बिल्कुल चेंज। जो व्यू देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है काफी। दोस्तों मैं हूं मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं ऑटो शो इंडिया। आज फिर से आए हैं हम एक ब्लेरो देखने के लिए भैया के पास, और इस बार भैया ने इसमें क्या कमाल किया है ना, मैं इसमें अंदर बैठा और अगर इसमें बहुत ध्यान से ना देखूं ना तो मुझे एक फीलिंग आई कि एक्सयूवी 700 में बैठा हुआ हूं। मतलब इंटीरियर भैया क्या इस बार आपने अलग कर दिया, मतलब हमेशा होता था डार्क इंटीरियर होते थे या कुछ डिफरेंट कलर्स होते थे, इस बार लाइट इंटीरियर की है। और लाइट में जो इसकी फीलिंग आ रही है ना, मतलब मैं कहूँगा कि थोड़ा मेंटेन करना मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे इंटीरियर कर रहा हूँ मजा आ जाएगा। बाकी भैया बताएंगे, इंटीरियर से ही शुरू करना भैया इसका। चलो सीधा आज बात करते हैं इंटीरियर से। जैसे इंटीरियर हमने जो इस गाड़ी के अंदर करे हैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल करे। कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी कि मेरे को डार्क कलर्स नहीं चाहिए, हम गाड़ी तैयार करते हैं कस्टमर के लिए। कस्टमर बोले मेरे को मेंटेन, मैं लेस मेंटेन वाला कलर चाहिए, तो हम बोलते हैं डार्क कलर लो ताकि मेंटेन करना इजी रहे। पहले वो भैया वो ग्रीन वाला जो कलर था बहुत पॉपुलर हुआ। क्या होता है जब लोग कोई वीडियो देखते हैं ना, तो लोगों को वो चीजें पसंद आती है। ठीक है, तो जब वो चीजें पसंद आती है लोग कहते हैं हमें भी अपनी गाड़ी में कुछ इस टाइप का काम कराना है। तो अब जो है डिफरेंट कलर हुआ है, ये भी मुझे लग रहा है लोगों को बहुत पसंद आएगा और इसकी भी डिमांड आएगी। होप करते हैं लोगों को पसंद आए, और काफी अच्छा इंटीरियर है और काफी खिल के आ रही है गाड़ी। भैया सही बता रहा हूँ मैं, मेरे को सच में ना एक्सयूवी 700 वाली फीलिंग आई अंदर बैठ के इसमें। खासकर सेकंड रो में बैठता हूँ ना तब तो अलग ही फील आ रही है। तो अब इंटीरियर देख, बताओ इंटीरियर कैसा लग रहा भैया गाड़ी में? भैया मैंने तो पहले ही बता दिया मुझे तो बहुत अच्छा लगा, और सीधा मैं इसके अंदर बैठ रहा हूँ अब। मैं बाल खड़े खड़े देखने से अच्छा है मैं अंदर बैठता हूँ। आप बताओ इसके बारे में। इसके बारे में क्या है कि सबसे पहले जो गाड़ी थी ये 2019 मॉडल है। ठीक है, 19 मॉडल काफी रफ यूज हो रखी थी। गाड़ी के किलोमीटर देखोगे, गाड़ी ही जो है हमारी, ये चाबी दिखानी पड़ेगी ना, किलोमीटर प्लस चली हुई है गाड़ी। स्टार्ट कर लूं गाड़ी एक बार? हां भैया। ओरे बाबा भैया गाड़ी तो मतलब काफी, इंजन इसका काफी नॉइसी है। गाड़ी चली काफी हुई है, 1,57,530, फिर भी गाड़ी इतनी मेंटेन है, लोगों की गाड़ी बिल्कुल नहीं। गाड़ी बाहर से देखने में बहुत अच्छी है, अंदर तो भैया मैं सारा काम हुआ तो उससे तो काफी बिल्कुल लग्जरी है। तो मैं अभी इसको फिलहाल के लिए करता हूँ बंद, बाकी मैं एक बार ना कैबिन चेक करता हूँ। कैबिन में नहीं आ रही उतनी, बाहर है नॉइस। गाड़ी की सबसे पहले कस्टमर ने छत ही हटा दी थी, उसके ऊपर फोम करा के लेदर लगा रखा था, तो जब छत थी नहीं तो हमें भी उसके हिसाब से फैब्रिकेशन करनी पड़ी। अच्छा छत का पूरा ये फैब्रिकेट हुआ है, चेंजेस आए हैं इसके अंदर? इसके अंदर उन्होंने क्या कर रखा था, वो छत हटा के उसके ऊपर डायरेक्ट लेदर चिपका रखा था। ओहो, तो वो चीज से ना गाड़ी में गर्मी भी काफी बहुत आती होगी भैया। तो इसके अंदर पहले पूरी फोमिंग हुई है। हाँ मैं देख रहा हूँ, देख रहे हो बिल्कुल फोमिंग होके बिल्कुल सॉलिड हो रखी है गाड़ी। हाँ नहीं बिल्कुल पूरी फोमिंग का काम हुआ है, उसके बाद पूरा लेदर रैप हुआ है, क्योंकि फैब्रिक अगर लगाते ना, नॉर्मली हम फैब्रिक लगाते हैं बट फैब्रिक, लेकिन बीच में कुछ होना चाहिए और वो भी हैवी चीज होनी चाहिए। वो भी बात एक है कि फैब्रिक जो लगता है ना वो छत पे लगता है, क्योंकि छत पे वेट ज्यादा ज्यादा डाल नहीं सकते हम। ठीक है, ये डायरेक्ट फोम पे चिपका, इसलिए हमने इसमें लेदर लगाया। ओके, इजी टू क्लीन है, गीला कपड़ा मारो साफ। अच्छा ये भी अलग चीज यूज हुई है, बिकॉज ये रूफ पे नहीं है। हाँ रूफ के लिए सारा हुआ है। और ये भी आपने कुछ अलग से? हाँ जी, हाँ ये भी फ्लैप्स बने, वो भी इसी थीम के हिसाब से बने हैं। तो हमारी जो गाड़ी में थीम चल रही है ब्लैक एंड आइवरी, आइवरी ये जो कलर है हम इसको आइवरी बोलते हैं। बहुत कंट्रास्ट आ रहा है, मतलब इसमें ये डैशबोर्ड इसी कलर का आता है इसका? नहीं ब्राउन कलर आता है, मिट्टी सा कलर जो आता है ना, ब्राउन लाइट ब्राउन कलर वो आता है। अच्छा तो इसका डैशबोर्ड भी पेंट हुआ है? ये हमारा गोल्ड पैकेज है। गोल्ड पैकेज के अंदर हम क्या करते हैं, पूरा गाड़ी का अंदर का जो कलर स्कीम होती है उसको डिफरेंट शेड या डिफरेंट फिनिश में दे सकते हैं हम। ठीक है, ये सिल्वर पैकेज में नहीं होती, सिल्वर पैकेज में नहीं, सिल्वर में हो गया बेसिक चीज, यानी कि टोटल 6 आइटम में होती है, बट गोल्ड में उसमें आइटम ज्यादा हो जाती है। मतलब सिल्वर में क्या क्या चीजें होती हैं? एक तो ये डोर पैड हो गए, डोर पैड हो गए, पिलर हो गए, स्टेयरिंग कवर हो गया, सीटें होगी, ठीक है, गियर का कपड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, और फ्लोरिंग, जो नीचे इसके होता है। हाँ। मतलब 5-6 चीजें, ये आपका पैकेज शुरू होता था आई थिंक 30,000 से, और जो गोल्ड हो गया वो 60-70,000 के आसपास होगा। 65,000 से स्टार्टिंग होता है, 65,000 से गोल्ड पैकेज है। अब उसके अंदर क्या होता है ना, उस पे सारा डैशबोर्ड खुलता है, एक एक चीज एक एक पार्ट जो है हाइड्रोडिप होता है। अच्छा ये भी होता है उसमें? आप तो डैशबोर्ड देख रहे हो, हम तो ये साइड की जो सीट के लॉक होती है ये वाले, ये चीज तक हम हाइड्रोडिप करते हैं,
सब हर चीज होती है उसमें। तो इसकी जो पूरी लिस्टिंग है वो आप व्हाट्सएप पे डाल देते हो, तो किसी को अगर जानना हो कि मतलब सिल्वर पैकेज क्या है, गोल्ड पैकेज क्या है, कि भैया के नंबर पे आप व्हाट्सएप डालो, अपनी गाड़ी की फोटो जरूर डालो, क्योंकि ना हर गाड़ी में सेम काम नहीं हो सकता, पहले गाड़ी देखेंगे भैया, फोटोज देखेंगे, देन बताएंगे। बिल्कुल सही, आप किसी बंदे ने डैशबोर्ड पेंट कराना है, डैशबोर्ड पेंट कराने में लेबर बहुत इन्वॉल्व होती है, टाइम भी चाहिए काफी होता है, तो हम उन चीजों के लिए मना करते हैं। हम बाकी जैसे डैम्पिंग वगैरह करानी है वो अलग है, तो इसमें डैम्पिंग इस गाड़ी के अंदर मैं बताता हूँ, इस गाड़ी के गत्ते गल चुके थे, गत्ते गल गए थे इसके, ये वाले गत्ते जो होते हैं वो गल गए थे। अच्छा, तो ये सारे गत्ते नए फैब्रिकेट हुए हैं। नॉर्मल जो गाड़ी में यहाँ पे कर्व आता है, अच्छा, जिनके बाद भी बुलेरो होगी उनको पता होगा यहाँ पे गड्ढा सा होता है, ठीक है, तो उस चीज को हमें पूरी ट्रिम आउट करके प्रॉपर हाइड्रो डिप करके बिल्कुल फ्लैट कर दिए, जैसे नई B6 गाड़ी में आता है, ओके, ताकि काफी नीट लुक लगती है, यहाँ पे कोई रिंकल्स नहीं आते, तो गेटअप काफी अच्छी आती है उससे। जैसे 1.5 लाख प्लस ये चली है, अंदर से तो फीलिंग खत्म हो गई कि ये मतलब ऐसा लग रहा है मुझे 20-25 हजार चली हुई गाड़ी हो, बस लेस ड्रिवन गाड़ी बिल्कुल वैसी लग रही है, और काफी अच्छा इसमें इंटीरियर का कस्टमाइजेशन हुआ, इसके अंदर साउंड प्रूफिंग हुई है सिर्फ डोर पैड्स पे। अच्छा, इसमें खाली डोर में हुआ है, बाकी काफी लोग होते हैं कि बोनट में भी कराते हैं। गाड़ी हम बोलते हैं अगर आपकी नई गाड़ी है तो आप उसको अच्छे से मेंटेन रखोगे तो गाड़ी में रस्टिंग की दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अभी हम आपको दिखाएंगे 2015 मॉडल गाड़ी आई है हमारे, अच्छा, रिस्टोर होने, तो उसको भी हम पूरी रिस्टोर कर रहे हैं पैदल ही, उसके अंदर भी काफी रस्टिंग का इशू। बाकी चीजें भी है इसमें जो है ना, सीट्स बहुत अच्छी लग रही हैं जो मैं देख रहा हूँ, कंफर्ट मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लगा आपको? हाँ, नहीं भैया मैं बता तो रहा हूँ, मुझे इस गाड़ी में जो फीलिंग आई, अगर मतलब कुछ चीजें ऐसी हैं उनको हाइड कर दिया जाए तो वही XUV 700 वाली फीलिंग है, मतलब जैसा कॉन्ट्रास्ट उस गाड़ी में आता है इससे कितनी 2 या 3 गुना कीमत के उसका टॉप मॉडल होगा, और उस गाड़ी जैसा इसके अंदर फील आ रहा है, क्योंकि लोगो तो महिंद्रा का ही है, तो वो चीज तो पॉसिबल है ही नहीं जब तक कोई अच्छे से काम ना करे उसमें। बाकी ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे भी काफी काम हो रखा है, इसका फ्रेम बनाते हैं हम, ये स्टीरियो लगा है, स्पीकर्स वगैरह भी लगे हैं, पहले सर के पीछे लगे हुए थे, ठीक है, स्टीरियो लगा हुआ था, ठीक है, तो इसके अंदर हमने कस्टम फ्रेम, पीछे 2 स्पीकर लगे हैं, 2 स्पीकर्स लगे हुए थे। अभी इस गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर है, अच्छा 2 ऐड कर दिए गए, 2 सेकंड रो में है, ठीक है, 3rd रो में है, ठीक है, 3rd रो वाले सर के पहले स्पीकर्स थे उन्हीं को हमने रिटेन करा, उन्हीं को यूज करा, ठीक है, कस्टमाइज फ्रेम बनाया इसके अंदर प्रॉपर फिटिंग के साथ, ताकि लगे कि गाड़ी का पार्ट है, अलग से कोई जुगाड़ बना। भैया आर्मरेस्ट बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब ना इसका बहुत ही ऐसा लग रहा है मतलब कि इसी में पहले से ही लगाओ, बट ये हमने लगाया है, नॉर्मली ये ब्लैक कलर के आर्मरेस्ट आते हैं, तो हम जिस गाड़ी की कलर स्कीम करते हैं उसके हिसाब से इसको पेंट करवाते हैं, और कंट्रास्ट के हिसाब से जैसे आई ग्रे एंड ब्लैक के साथ रेड स्टिचिंग, तो वही चीज हमारे आर्मरेस्ट, और ये कहीं अड़ भी नहीं रहा, जैसे मैं सीट पे देख रहा हूँ गियर लीवर या फिर ये जो है हैंड ब्रेक वगैरह, कहीं और बिल्कुल कंफर्ट, हाँ कंफर्टेबल फील हो रहा है मुझे, बिल्कुल कंफर्टेबल उस हिसाब से। बाकी एक बार सेकंड रो भी बैठ के देख लेता हूँ भैया कैसी लगती है इसकी, ये हमारी सेकंड रो की फील है पूरी भैया, प्रॉपर कंफर्ट है, प्रॉपर एक्स्ट्रा पैडिंग के साथ हमारी सीटें बनी है, आर्मरेस्ट प्रॉपर वर्किंग है, कहीं से टाइट नहीं चढ़ रहा, प्रॉपर फिट हो रहा है, और व्यू है कार का काफी अच्छा, व्यू तो यहाँ से जो बैठ के फील आ रही है वो अलग ही है, कि मतलब मैं एक हाइट पे बैठा हूँ, पहले तो जो एसयूवी वाली फीलिंग आती है ना, जो रियल फीलिंग है ना, वो इन्हीं तरह की गाड़ियों में है, आजकल जो छोटी कॉम्पैक्ट एसयूवी है ना उसमें वो फीलिंग नहीं आती, उसमें लगता है हम कार में बैठे एक नॉर्मल। लेकिन की अगर किसी ने बुलेरो लेनी हो इस सेगमेंट में यही गाड़ी, बिल्कुल फैक्ट है, इस सेगमेंट में ये इकलौती ऐसी गाड़ी है जिसमें ये उसकी शेप एंड डायमेंशन है ना, ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं हुए, स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल, इसमें वो ओल्ड स्कूल वाली फीलिंग आती है पूरी ना, मतलब जो पुरानी आती थी, पहली जो गाड़ियां आती थी ना, जीप वाली फीलिंग या सफारी वाली, वो वाली फीलिंग है इस गाड़ी में। ये गाड़ी जो है दिल्ली वगैरह में कम है, लेकिन दिल्ली से बाहर बहुत है ये गाड़ी। नहीं मैंने सुना है भैया बहुत पॉपुलर है ये गाड़ी, और एक्चुअल में ये जो 4x4 होती है बहुत ज्यादा कैपेबल है वो गाड़ी। बाकी एक बार 3rd रो और देख लेता हूँ भैया इसका, यहाँ पे डोर में तो दिख ही रहा है सारा कुछ, एक बार 3rd रो में और बैठ के देख सकता हूँ। आने से पहले इसकी हमने पूरी एक कस्टम टेल लाइट लगा रही है इसके अंदर, जिससे गाड़ी की जो लुक है बिल्कुल चेंज हो गई है, स्पॉइलर पहले से लगा हुआ था कस्टमर की गाड़ी में। अब इसकी ये आपको 3rd रो दिखाएंगे, 3rd रो में भैया एक बार मैं बैठ के देख लेता हूँ, क्योंकि वैसे तो 3rd रो ज्यादा बड़ी नहीं होती, बट प्रीमियम लग रही है तो एक बार फील हो रही है कि बैठना चाहिए, मेरे को भी चेक करना चाहिए कि कैसी है ये। तो ये मैं आ गया हूँ, और मेरी हाइट भी थोड़ी सी है, नहीं है भैया मतलब दो बंदे चाहे तो बैठ सकते हैं, वगैरह हम जैसे हम आगे की सीटों पे करते हैं पीछे भी करके देते हैं। यहाँ पे भी एक अच्छी फीलिंग आ रही है, यहाँ से जो व्यू देख रहा हूँ तो अच्छा लग रहा है काफी, ठीक है भैया। इंटीरियर की तो बात होगी, इंटीरियर हमने सारा दिखा दिया, ठीक है, अब बात करते हैं एक्सटीरियर की। एक्सटीरियर के अंदर सबसे पहले हमने ये न्यू मॉडल वाली बटरफ्लाई लोगो वाली हमने ग्रिल लगा रखी है, तो ये वाली जो ग्रिल है ये इस गाड़ी में नहीं आती, ठीक है, और 24 या 23 के बाद से न्यू लोगो आता है, ठीक है, ये है 19 मॉडल में ये हमने ग्रिल लगा रखी है। ये ग्रिल आप अपनी 2008 से लेके
19 तक की कोई भी गाड़ी हो बोलेरो सब पे लगती है। तो ये जैसे ब्लैक कलर की अदर कलर, तीन कलर है मेरे पास, ग्रे कलर भी मिल जाएगा जो इसका अंदर लगा आता है, ब्लैक मैट ब्लैक आता है और व्हाइट कलर आता है, तीनों रेडी होती है, डीआरएल के साथ भी होती है, विदाउट डीआरएल भी होती है। अच्छा, ये भी इसी का पार्ट है? हाँ जी, दोनों चीजें हमारे पास रेडी मिलती है, डीआरएल विदाउट डीआरएल, और पैन इंडिया की शिपिंग है, कहीं भी आपने करवानी हो शिपिंग तो वो हो जाएगी। इसके अलावा इसके अंदर हमने ये जिमर के प्रोजेक्टर लगा रखे हैं, ऑल वेदर प्रोजेक्टर है और कस्टमाइज फिटिंग होती है इसकी। आप लोग बोलेंगे कि यार ये इसमें हमें भी लगाने, तो उसके लिए आपको यहाँ पे लेके आनी पड़ेगी गाड़ी, तो इसकी फिटमेंट होगी। मतलब ये भी है जो स्पेस दिया हुआ है इसके अंदर, होल जो है, करके, हाँ जी, इसमें तो ये लग ही नहीं सकता, ऐसे लग ही नहीं सकता, जितने मर्जी डबल टेप लगा लो आप, ठीक है। और जितना ये मैं देख रहा हूँ कस्टमाइज, ये हम खुद ही फैब्रिकेट करते हैं, जैसे फ्रेम फैब्रिकेट करते हैं। समझ गया, मतलब आपने इसको पहले यहाँ पर शेप इसकी चेक करके उसके अकॉर्डिंग एक ब्रैकेट बनाया, डिजाइन किया है जिसमें ये लग सके। ये काफी स्टडी है, ये देख रहे हो, हाँ बिल्कुल, कहीं नहीं जाएगा ये, उसके हिसाब से, वो जुगाड़ वाली चीज नहीं है, प्रॉपर फिटमेंट करके इसको बनाया जाता है। तो इसके लिए तो गाड़ी यही आएगी तो ही पॉसिबल है, कस्टमाइज फ्रेम बनाने के लिए भी गाड़ी चाहिए। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, ये चीजें हैं। इसके अलावा इसके अंदर हमने एक रूफ रेल लगा रखी है, ठीक है, एक स्टाइलिंग ऐड करने गाड़ी की थोड़ी हाइट बढ़ जाए। इसके अंदर पियानो किट लगा रखी है हमने, इसके अंदर दो साइड मिरर, चारों हैंडल और पीछे का डिक्की का लैच वाला, वो सारे के सारे हमने जो है ये पियानो किट लगा रखी है इसके अंदर। ये ऊपर से लग जाता है, स्टिक ऑन होता है, ये ऊपर से लग जाता है। इसके बाद डोर वाइजर सरके लगे हुए थे, अलॉयज लगे हुए थे गाड़ी में, पीछे हमने ये कस्टम टेल लाइट का काम करा है। ये नॉर्मली भी है जैसे थार वगैरह में बहुत पॉपुलर हुई थी, तो ये वही वाली टेल लाइट है। हाँ जी, बोलेरो में लगाते हैं, इसके अंदर हमारे पास काफी डिजाइन होते हैं। लेकिन ये भी है, इसकी जो मैं देख रहा हूँ ये फैब्रिकेशन वाला काम है भैया, ये चीजें हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे लानी, मतलब कोई मांगे कि मुझे ये भी लगवानी है, अगर आपके पास कोई अच्छा डेंटर है आप हमसे लीजिए, आप वहाँ फिट कराइए, नहीं तो ऐसी चीजें फैब्रिकेट करने के लिए कम से कम दो, मतलब यहाँ जो चेंजेस करने पड़े हैं इसके हिसाब से, पेंट वर्क भी है, पेंट वर्क भी है, कटिंग भी है, सारा उसमें इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब ये तब लगती है, आसान नहीं है इसको लगाना। कुल मिला के ये कि गाड़ी पूरी तैयार होने के लिए आएगी तो सारे काम हो जाएंगे, ठीक है, और टाइम चाहिए उसके लिए। हम पैकेज के हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जब सीट करते हैं तो एक थीम बनानी पड़ती है गाड़ी के अंदर। जैसे अगर आपकी नई गाड़ी है, हम नहीं बोलेंगे आप उसका डैशबोर्ड खोल के पेंट कराओ, वो कस्टमर की अपनी चॉइस एंड प्रेफरेंस है। हम उनको ये बोलेंगे कि आप एक पैकेज ले लो, पैकेज के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपके डोर भी आ जाएंगे, आपके पिलर्स भी आ जाएंगे, फ्लोरिंग जो मैंडेटरी है लोग कस्टमर कराते हैं वो भी चीज़ बीच में ऐड ऑन हो जाएगी, स्टेरिंग रैप हो जाएगा, गियर का कपड़ा हो जाएगा। तो ये छह चीज़ों का एक पैकेज है जो 30 है, वो 30,000 रुपये से है, जो नॉर्मल सिल्वर पैकेज होता है। उसमें डैम्पिंग कराओगे वो लोडिंग से है, वो आपके ऊपर है, अलॉयज आपके ऊपर है, कस्टमाइज टेल लाइट करानी वो कस्टमर की चॉइस है। मतलब 30,000 से शुरू है और लिमिट कुछ नहीं है, चाहे वो 2 लाख तक भी हो, 2 लाख भी जाए, 3 लाख भी जाए, वो कस्टमर के ऊपर है। अब पीछे हमने जो गाड़ी तैयार करी थी जी वैगन वाली, उसमें 6 लाख रुपए लगे थे कस्टमर के, कस्टमर 6 लाख रुपए, तो कस्टमर के ऊपर है वो सारी चीजें, उसने अपनी गाड़ी को कैसे कराना है, ये चीज होती है, ठीक है। तो बाकी भैया जिसको भी काम कराना हो ऐसा, तो कहाँ आना है वो आप डिटेल बता दो। अगर आपको भी अपनी बोलेरो का इंटीरियर बिल्कुल नेक्स्ट लेवल या इस टाइप का या इससे भी बेटर करना हो तो आप आ सकते हो बिंद्रा मोटर्स पे, जो जनकपुरी दिल्ली हाट के बिल्कुल ऑपोजिट पड़ता है। एंड करें भैया, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू।